नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि। स्वागत है आपका नाउ द टाइम्स में। एसआईटी की टीम ने स्वामी चिन्मयानंद को रेप के आरोप में गिरफ्तार कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मालिश कराने के शौकीन चिन्मयानंद को जेल में आम कैदियों की तरह ही रखा गया है, जिसकी वजह से चिन्मयानंद को रात भर नींद नहीं आई। चिन्मयानंद का मामला तकरीबन 3 महीनों से चल रहा है। इसके बावजूद भी कई सारे लोगों को ये नहीं पता है कि आखिर चिन्मयानंद है कौन, कहां से आए, यूपी के शाहजहांपुर में इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा किया, राजनीति में आने से पहले चिन्मयानंद क्या करते थे। चलिए बताते हैं आपको। लॉ की छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार स्वामी चिन्मयानंद का असली नाम कृष्णपाल सिंह है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में गृह राज्य मंत्री रह चुके स्वामी चिन्मयानंद को लॉ छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद चिन्मयानंद की जमानत के लिए उनके वकील ओम सिंह की ओर से सीजेएम को प्रार्थना पत्र दिया गया कि चिन्मयानंद की तबीयत खराब है। चिन्मयानंद के बारे में और जानने से पहले यूपी के डीजीपी का ये बयान सुनिए। स्वामी चिन्मयानंद को और हमारी एसआईटी की टीम ने उनको गिरफ्तार करके उनका मेडिकल कराया, कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और उनको जेल भेजा गया है। उनको 14 दिन का जुडिशियल रिमांड में भेजा गया है और साथ ही साथ हम लोगों ने 3 और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, उन्हें भी कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है। वो तीनों एक्सट्रॉशन के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्होंने एक्सट्रॉशन लेने की कोशिश की स्वामी चिन्मयानंद का, और स्वामी चिन्मयानंद को बलात्कार के मामले में गिरफ्तार किया गया। यूपी के गोंडा से ताल्लुक रखने वाले कृष्णपाल सिंह उर्फ स्वामी चिन्मयानंद का जन्म 3 मार्च 1947 को हुआ था। चिन्मयानंद अवध के राजघराने से आते हैं। चिन्मयानंद ने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया है। चिन्मयानंद भाजपा के उन नेताओं में से एक हैं जिनका डंका बजता है। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध और महावीर से प्रभावित होकर युवा अवस्था में चिन्मयानंद ने राजघराना छोड़ दिया था। यूपी की बदायूं लोकसभा सीट से 1991 में पहली बार बीजेपी के टिकट पर चिन्मयानंद ने चुनाव जीता और राजनीति की सीढ़ियां चढ़ने लगे। साल 1998 में यूपी के मछली शहर और फिर जौनपुर लोकसभा से 1990 में सांसद चुने गए, जिसके बाद वह अटल बिहारी सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बने। सांसद और मंत्री के अलावा चिन्मयानंद ने राम मंदिर आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई। इस आंदोलन में चिन्मयानंद ने गोरखपुर की गोरक्षा पीठ के महंत और पूर्व सांसद अवध्यानाथ के साथ मिलकर बड़ी भूमिका निभाई थी। शायद इसी वजह से चिन्मयानंद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी हैं। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली तो सबसे पहले चिन्मयानंद ने ही मुख्यमंत्री के लिए योगी आदित्यनाथ का नाम आगे किया था। चिन्मयानंद की गिरफ्तारी के बाद रेप के आरोपी चिन्मयानंद का परिवार अब सामने आया है। चिन्मयानंद के परिवार के मुताबिक दबाव में आकर चिन्मयानंद ने अपना गुनाह कबूल किया है। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहना है चिन्मयानंद के भाई का। जब यहाँ थे तब यहाँ दूसरे विचार के थे, अब क्या है क्या नहीं है वो हम इतने दूर से नहीं देख सकते हैं भाई। सच्चाई तो यह है कि हम इतने दूर से नहीं बता सकते हैं, देख सकते हैं। बचपना यहाँ गुजारा था उन्होंने, वो हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ ठीक विचार के थे। अब क्या है, करीब 70-75 साल के लगभग हो गए उनको, उनकी आयु, अब कैसे हैं वो, क्या थे क्या हैं, हमें नहीं बता सकते। कृष्णपाल सिंह से स्वामी चिन्मयानंद बने रेप के आरोपी चिन्मयानंद को एसआईटी की टीम ने जेल भेज दिया है, जहां चिन्मयानंद ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। आपको बता दें कि यौन शोषण का चिन्मयानंद के ऊपर ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी चिन्मयानंद के ऊपर यौन शोषण के कई सारे मामले दर्ज हो चुके हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नवोदय टाइम्स।